हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंक पैराडाइज। मैं हूँ पिंकी। कैसे हो आप सब? और आई होप आप लोग सब कोई ठीक ही होंगे। और मैं सबसे पहले आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत गैप दे दे के आ रहा है, मींस बहुत लेट लेट से आ रहा है मेरा वीडियोस। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ इन दिनों। मैंने शायद आप लोगों से शेयर भी किया है कि मैं डांस टीचर हूँ, मैं क्लासिकल डांस सिखाती हूँ। तो लॉकडाउन की वजह से मैं क्लास तो नहीं ले पा रही हूँ, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास करवा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी रह रही हूँ कुछ दिन। तो इसीलिए मेरा वीडियोस इतना लेट से आ रहा है आजकल। जो भी हो, अभी मैं नहा के आई हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। एक्चुअली हम लोग थोड़ा ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए गए थे, तो मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगी, आप लोग चेक कीजिएगा मैं क्या क्या ग्रॉसरी शॉपिंग की हूँ। मैं जस्ट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए आज का धूप, मैं यहाँ पे नाइटी पहन लिया है मैंने, इतना गर्मी। देखिए बाहर का धूप, यहाँ पे मैंने सारा कुशंस को धूप में दे दिया है, इतना धूप, मतलब ताकि थोड़ा सा वो अंदर का कॉटन भी फूल जाए, और धूप में देना ठीक भी होता है। और क्या करें, चलिए आप लोग चेक कीजिए मेरा वीडियो, और मैं आज दिन भर का सब कुछ शेयर करूंगी। और मैं आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ रेसिपी, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैं अभी नहीं बोलने वाली हूँ क्या बना रही हूँ, तो आप लोग फुल वीडियो देखिए, आप लोग को पता चलेगा, और मैं फुल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो लास्ट तक मेरा वीडियो देखिएगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या लेके आया ग्रोसरी। तो मैंने लाके ऐसे ही बाहर रख दिया, अभी मैं नहा के आके फिर ये सब धो धो के रखूंगी। एक्चुअली बाहर से आया है ना अभी सब कुछ, तो डायरेक्ट मैं इसे नहीं डालूंगी अंदर, मैं धो धो के इसको रखूंगी, इसीलिए मैंने ऐसे रखा है। तो मैं आज मैंने सोचा आपको शेयर कर दूं आपके साथ कि मैंने क्या क्या लेके आया। तो यहाँ पे है कैच का जलजीरा, ये है हनी रोस्टेड ओट्स, इसमें मिक्स है हनी, देन ओट्स, एलमंड्स एंड कैनबेरीज, सब मिक्स रोस्टेड है। तो मैं ये फर्स्ट टाइम लाई हूँ, मुझे पता नहीं इसका टेस्ट कैसा है, टेस्ट करके मैं बता पाऊंगी। ये है पतंजलि का रोल्ड ओट्स, ये कैलोग्स का कॉर्नफ्लेक्स, ये है किसान का फ्रेश टोमेटो केचप, और ये है चिली सॉस अन्नपूर्णा का, ये है आशीर्वाद आटा। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, हम लोग कभी भी सामान पूरा खत्म होने तक नहीं रहते, सामान रहते टाइम मीन्स रहे, खत्म होने वाला हो उसी टाइम पे हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करके लाते हैं, इसलिए हम लोग एक साथ बहुत ज्यादा भी नहीं लाते। और हम लोग की फैमिली में 2 जन ही है, मेरे हस्बैंड और मैं, तो इसलिए हम लोग ज्यादा सामान नहीं ला रहे, मीन्स थोड़ा थोड़ा ही लाते हैं सामान। तो यहाँ पे है अमूल ताजा का दूध का पैकेट, ये ज्यादा बड़ा वाला नहीं मिला तो हम लोग छोटा ही 4 लेके आए हैं। यहाँ पे है पनीर, ये साबूदाना, ये मूंग दाल, ये बादाम, और ये है बोड़ी, कालाई डाइलर बोड़ी, ये बंगाली लोग खाता है, असमिस लोग भी खाता है, दूसरा कास्ट का मुझे पता नहीं। ये है छोला वाला चना, काबुली बूट, ये है मसूर दाल, ये है पतंजलि का वो डिटर्जेंट पाउडर, ये मैं फर्स्ट टाइम लाई हूँ, पता नहीं कैसा है, यूज करने के बाद ही मैं बोल पाऊंगी। और ये है पतंजलि बर्तन मांजने का साबुन, ये बहुत अच्छा है, बर्तन में एक नींबू का स्मेल भी आता है मांजने के बाद, बहुत अच्छा है ये साबुन, मैं यूज कर चुकी हूँ पहले। ये है पतंजलि का हल्दी चंदन कांति, और ये एलोवेरा, ये बॉडी वॉश सोप है, ये ओके बार, और ये लिया अगरबत्ती। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप लोग इसे दूसरा मीन्स कोई गलत ना सोचे, मैं लाई हूँ, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। वैसा कुछ नहीं कि मैं शो ऑफ करना नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करने का मन किया, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। तो आप लोगों ने देखा मैंने क्या क्या ग्रोसरी खरीदा। उसके बाद ये सब काम खत्म होने के बाद, लंच करने के बाद,
मेरा क्लास का टाइम हो गया था तो मैं क्लास करवा रही थी, तो चुपके से मेरे हस्बैंड ने मेरा वीडियो बना रहा था, मैं क्लास करवा रही थी यहाँ पे ये वीडियो बना रहा था, तो मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आप लोग वो वीडियो देखिए, उसके बाद मैं मेरा डिनर का प्रिपरेशन करूंगी, तो आप लोग पूरा लास्ट तक देखिए मैं डिनर में क्या बनाती हूँ, और पूरा रेसिपी भी आप लोग देखिए। तो आप लोग लास्ट तक, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। तो आप देख मीन्स चेक कर लीजिए मेरा लास्ट तक का वीडियो क्या होता है, और प्लीज़ 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 कॉमेंट। मैंने थोड़ा चखके देखा था, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये आप लोग मैंगी खाली इडली के साथ खा सकते हैं, ये आप लोग चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्ट लगता है, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तो ट्राई करके जरूर देखिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अब मैं इसमें इनो ऐड कर दूंगी, डायरेक्शन में घुमाना है। और मेरा साउथ इंडियन डिनर बन के रेडी है, बहुत टेस्टी बना, आप लोग चाहे तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, सच में ये बहुत टेस्टी है।